cook. Welcome to my kitchen. और आज हम बनाने जा रहे हैं दही वड़ा, जो कि एक बहुत ही tasty और चटपटी Indian chaat recipe है. अगर आपको मेरी video अच्छी लगे, तो please मेरे video को like करें और मेरे channel को subscribe करें. आइए शुरू करें. दही वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम उड़द दाल, 500 ग्राम खट्टा दही. मसाले में हमें चाहिए भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर. ये मैंने कश्मीरी लाल चिली ले लिया है, इससे कलर अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है. चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा. छौंक के लिए हमें चाहिए 8 से 10 करी पत्ता, 1 टेबलस्पून काला सरसों और चुटकी भर हींग. डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए नायलॉन सेब, मीठी चटनी और हरी चटनी. ये दोनों चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले दिखाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यहाँ मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है. हम दही बड़ा को फ्राई करके डायरेक्ट पानी में डालेंगे, इससे दही बड़ा सॉफ्ट बने रहेगी. यहाँ मैंने टोमेटो सॉस ले लिया है, आप अपने पसंद की चटनी डाल सकते हैं. अगर आपको इमली सॉस पसंद है तो आप इमली सॉस डाल सकते हैं, जो कि बाजार में रेडीमेड बहुत आसानी से मिल जाती है. उड़द दाल को हमने नॉर्मल वाटर में 7 से 8 घंटे सोक कर लिया है और उसके बाद हम इसका पानी निकाल के इसे ग्राइंडर में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा के साथ ग्राइंड कर लेंगे. और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे. उड़द दाल को हमने पीस लिया है. पीसने के वक्त अगर आपको लगे कि ये पीस नहीं रही है, तो एट अ टाइम आप 2 टेबलस्पून पानी डाल के पीस लें. ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ये बहुत पतली हो जाएगी और फ्राई नहीं होगी. हमारी उड़द दाल अब पीस के तैयार हो चुकी है. अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे. अब हम इसे एक स्पून की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे. इस तरीके से हम इसे अच्छे से फेंटेंगे. दाल को हमने अच्छे से 5 से 7 मिनट फेंट लिया है. अब हम एक स्पून दाल लेके पानी में डिप करेंगे. अगर ये तैर के ऊपर आ जाए तो ये अच्छे से फेंट चुकी है. अगर नहीं आती है और ये नीचे चली जाती है तो हमें और फेंटने की ज़रूरत है. ये देखिए, अब हम इस तरीके से इसे पानी में डालेंगे और ये तैर के इस तरह से ऊपर आ जानी चाहिए. फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और ऑयल से जब ऐसे बबल्स आने लगे, इसका मतलब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है. आप थोड़ा सा पोर्शन ले और तेल में डिप करें. अगर ये तैर के ऊपर आ जाती है, इसका मतलब आपका ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है. अब हम छोटा छोटा हिस्सा लेके इसे फ्राई कर लेंगे. गैस का फ्लेम आप मीडियम हाई पे ही रखें, नहीं तो ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से नहीं बनेगा. हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक दो साइड से. हमको इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है. हम 5-5 मिनट बाद इसे टर्न करते रहेंगे, नहीं तो ये एक साइड जल जाएगा. गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे. जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाए, लास्ट के 2 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे. उसके बाद हम इसे डायरेक्ट अपने सॉल्ट वाटर में निकाल लेंगे. ये देखिए, इसका कलर, इससे ज्यादा डार्क हमें नहीं
करना है, नहीं तो इसकी टेस्ट अच्छी नहीं आएगी। अब हम इसे एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और अब उन्हें सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से अंदर डिप कर देंगे। हमारे वड़े की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखिए, ये बहुत लाइट बनी है और अंदर से ये एकदम स्पॉन्ज की तरह होनी चाहिए। वड़े को हमने पानी में सोक कर लिया है और ये जब सोक होके ऊपर आ जाएगा तब हम इसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर लेंगे। इसे ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, हल्के हाथों से प्रेस करके साइड में रखें। इसे ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, नहीं तो ये फट सकती है। दही को हम ग्राइंडर में डाल के एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए और इसमें कोई गुठली ना रहे। दही को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक से दो बार घुमाएं। अब हम दही को इस बोल में डाल देंगे और अपने वड़ा को वन एट अ टाइम करके अंदर सजा देंगे। वड़ा को अब हमने अच्छी तरीके से दही में डिप कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कि ये चारों तरफ से अच्छे से दही में डिप हो जाए, नहीं तो ये अच्छी तरीके से चारों तरफ से वड़ा दही को सोक नहीं करेगी। छौंक के लिए हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे सरसों के दाने और कड़ी पत्ता। अब हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग डालकर हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसकी टेस्ट खराब हो जाएगी। अब हम इसे डायरेक्टली दही वड़ा पर डाल देंगे। सर्व करने के लिए एक प्लेट में दही वड़ा लें। मसाले में पहले हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, चाट मसाला, और रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मीठी चटनी और हमारी हरी चटनी। चटनी आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए, अगर आप कम चटनी पसंद करते हैं तो कम डालिए। अब हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे और एंड में नायलॉन सेव से टॉप करेंगे। हमारी दही बड़ा तैयार है।